अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे दोस्त? ठीक हैं। मैं वो आपका मेज़बान फिजान फैजी और मेरे साथ दो भाई मौजूद हैं, मैट सफियान और शिनावर कुमार साहब और शिनावर जट साहब। और आज मैं आपके लिए एक नया लेके आया हूँ, नया टॉपिक लेके आया हूँ। और आज इन दोनों भाई से बात करते हैं। ये भाई काम करते हैं ग्लव्स का और ये काम करते हैं डॉग्स का। अब दोनों से बात करते हैं कि कौन क्या करते हैं और क्या कुत्तों को डालते हैं और क्या दस्तानों में ये पाते हैं, ये सारी बात करेंगे और इनसे बात करते हैं बैठ के। ओके, अच्छा जी, ये शिनावर साहब मेरे साथ हैं और ये सफियान साहब भी मेरे साथ हैं। अच्छा जी, पहले शिनावर साहब से बात करते हैं कि उन्होंने डॉगी रखे हुए हैं और क्या डालते हैं, कौन कौन सी नस्ल है और क्या करते हैं वो, और क्या फ़ायदा है शिनावर को वो डॉगी रखने का। अच्छा जी शिनावर साहब, आपने डॉगी रखे हैं, उनकी नस्ल क्या है? उनकी नस्ल डोगी की नस्ल शिकारी शैक्स है, ब्राउन कलर का है। वो खरगोश पकड़ता है और जिंदा पकड़ कर लाता है। जंगली खरगोश ने तो वो भगाए ना, डोगी भी पीछे भागता है तो खरगोश इस तरफ कटिंग कराता है तो वो पकड़ के लाएगा, मेरे हाथ में देगा, जिंदा ही मारेगा भी नहीं, जिंदा ही। तो कुत्ती है जो वो बाइले वगैरह और गिद्दर वगैरह इस तरह की चीज़ें पकड़ती है, शिकार में लगे हैं। तो उन्हें कुत्ती लड़ती भी है, कुत्ता नहीं लड़ता, ठीक है। तो उनकी हराक ये है कि शाम को दर्जन पंजे खाते हैं दोनों, उबाल के काली मिर्च पा के और नमक पा के सुबह टाइम, और डोगन को भी डोगी को भी आधा आधा किलो दूध, दो दो रोटियां डाल दें, दोपहर को कुछ भी नहीं। अच्छा जी, और इनका आपको क्या फ़ायदा, ये आपको क्या फ़ायदा देते हैं? और कुत्ती हम क्रॉस कराएंगे अच्छे कुत्ते से, तो बच्चे हैं ना, जो एक बच्चा होते ही 2-3 दिन का 5,000 का बिक जाता है। अच्छा जी, हाँ। तो कुत्ते का क्या फ़ायदा जो आपने रखा हुआ है वो? वो तो वैसे ही रखवाली वास्ते भी है, अब उसकी बहुत उम्र हो गई है, कम से कम 3 साल, और कुत्ती की उम्र है कोई 4.5 साल। अच्छा अच्छा, तो कुत्ती बूढ़ी नहीं हुई? कुत्ता बूढ़ा हो गया तो? नहीं नहीं, कुत्ती क्यों बूढ़ी होनी है। अच्छा जी, ते जवानी होती है 5 साल तक। अच्छा, कुत्ती की जवानी होती है 5 साल, तकरीबन 5 महीने रह गया कुत्ती की जवानी खत्म होने में। हाँ, तो फिर अच्छा बुढ़ापे में चली जाएगी डेरी उम्र में, तो फिर वो आपकी दादी की उम्र में चली जाएगी। अच्छा अच्छा जी, और अच्छा चनावर साहब, आप इनको अच्छा चनावर साहब, आप जो डॉगी रखे हैं दोनों, अच्छा ये आप इनको कहीं लेके जाते हैं तो कुत्ते वगैरह इनके पीछे नहीं चढ़ते? कुत्तों ने पीछे भोंगते हैं दूर से, जो डाक कुत्ते होते हैं पीछे भोंगते हैं, और ये जब भोंगते नहीं, ये पकड़ते हैं गले से, पकड़ते हैं और 5 मिनट के कुत्ते का काम ला देते हैं। माशाल्लाह, अच्छा 5 मिनट में कुत्ते का काम ला देते हैं, और काम लगा के फिर वो कुत्ता मर जाता है? तो और जिंदा रहना है। अच्छा, तो ये क्या बुली है कुत्ते जो काम लगाते? कुत्ती तो बुली पैंडर है ना, वो अच्छा, तो लड़ाई वाली जो है। आपने कुत्ता लेके आए थे बड़े मुंह वाला, वो आपके आपसे बड़ा मुंह था उसका तकरीबन। हाँ। तो उसका क्या बना, वो कहाँ है? वो तो मार दिया यार। क्यों, वो कैसे मारा? वो शिकार पे लगाया था और उधर उसने बाइल लेना ना, उसको 4 दांत होते हैं इतने बड़े बाइल लेके। अच्छा ठीक है, तो वो जो बाइल ना, वो जब टक्कर लगाता है ना, 1.5 किलो दूर कुत्ता फेंक दिया था। अच्छा अच्छा, तो वो उन्होंने उसका लक पार दिया था। अच्छा अच्छा। तो फिर हमने उसको रोइयों में खर के शक्कर सड़क के नीचे गोली अच्छा। मार दी थी बांध के। हाँ, बांध को ऐसे हमको पाया जाता तो फिर। अच्छा, तो वो कुत्ता चैंकता था जब गोली बजी थी? नहीं, वो उसकी उस वक्त डेथ हो गई, उसी वक्त हो गई, दिमाग में मची थी। अच्छा, किसने मारी थी? मानी गुज्जर शकरगढ़ के। अच्छा, मानी गुज्जर। अच्छा, मानी गुज्जर के पास एक और कुत्ता था, वो कहाँ है? वो जिद्दी कुत्ता था, चिटे कलर का। अच्छा, एक कलर का। अच्छा, तो अच्छा, वो लड़ाई कराते हैं, अब गर्मी शर्मी है ना, तो सियाल में उसकी लड़ाई कराएंगे, ये भाई आप छुरी मुझे मारने लगे हो। ये देखें जी, काके ने छुरी पकड़ ली है, लबी है और लबी नहीं है, कातल है बहुत बड़ा, इससे बचो। अच्छा, तो ये शिनावर साहब, अच्छा शिनावर साहब, मैंने सुना है आपने एक दफ़ा भंग पी थी, और भंग पी के आपने पूरे दायरे को सर पे उठाया हुआ था, ये सच है? यार वो चांद रात थी, तो मेरा एक दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। अच्छा, वो मुझे रड़ी में ले गया था। अच्छा, उसने 2 घुटलगाए मुझे पूरा प्याला पिला दिया। अच्छा, तो आप चढ़ गई? वो चढ़ गई, मैं कहता हूँ चढ़ गई क्या, मैं पुटा सीधा हो गया था उधर। अच्छा, दायरे में मोहल्ला पूरा, एक लड़की जा रही थी उसके साथ साथ मैं सर्क में चला गया। अच्छा, वो आपको लगा था आपकी बहन है? ये उस वक्त कुछ भी नहीं पता चलता यार। तो आपने, अच्छा आपके वाल साहब को कुकमन को पता लगता तो वो क्या करते? वो मुझे गोली मार देते, उसको पता ही नहीं लगा बच गया। किसको नहीं पता लगा? पापा को, गुमन को, और किसको? आपके पापा को पता है कि आप उनके बेटे हो? हाँ, ये ये तो नहीं पता होना, और क्या पता होना। अच्छा, तुम्हें अपने बाप के नाम का पता है? हाँ, क्या नाम है? बिशारत गुमन एंड जट। अच्छा, तो उनको पता है आपका, आप उनके बेटे हो? लोदको ये कैसे हो सकता है, उन्होंने उनको को ना बताओ। आपको किसने बताया था कि वो आपके पापा हैं? उन्होंने बताया था। और कब बताया था? जब मैं छोटा था, प्यार करते चिची कक्का। तो क्या कहते थे कि मैं आपका पापा हूँ?
तो यार उन्होंने और क्या कहना था। अच्छा तो आप रहते कहाँ हैं? क्यों? आपके पापा काम से शाम को घर। आपके घर में रहते हैं? तो और किसके घर रहना? अच्छा आप गैर मर्द को अपने घर में रखते हैं, वो आपको कोई शर्म नहीं आती? यार वो तो मेरा पापा है, गैर मर्द क्यों है? आपको किसने बताया कि आपका पापा है वो? यार उन्होंने मुझे जमा पाला उसको। आपको कैसे पता उन्होंने आपको जमा है? यार मुझे तो पता चल गया था बाद में बड़ा हुआ तो। फिर वो किसने बताया था? मामा पापा ने बताना था। अच्छा। किसने बताना था? अच्छा आपकी मामा से आपके पापा से शादी हुई है? तो नहीं, और नहीं जाया तू मैं। कैसे शादी हुई आपकी मामा को? किसने बताया कि ये आपके पापा है और मैं ऐसे शादी करती हूँ? यार वो तो रब रिश्ते जोड़ता है ना। अच्छा रब तो जोड़ता है। और आपके मामा ने पहले नजर देख के आपके पापा को तस्लीम कर लिया कि ये छनावर के पापा हैं? नहीं यार। हाँ वो तो उसकी मामा की और पापा की मर्जी से शादी हुई है ना। अच्छा हाँ। तो मामा ने पसंद किया था कि पापा ने पसंद किया था? दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था? एक दूसरे को नहीं, दोनों ने। हाँ? उसकी माँ बाप ने भी और उसकी माँ बाप ने भी एक दूसरे को। अच्छा पसंद किया था। तो आपके माँ बाप में कोई लव नहीं था पहले? लव मैरिज नहीं? लो दसो आज की मुझे जरूर ले। अच्छा जी छनावर कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप ने, मेरे दादी दादा ने और मेरी नानी नाना ने मिलके ये रिश्ता तय किया था। और हना शनावर भाई जी और दोनों ने मिलके और दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, इसकी नानी ने इसके पापा को पसंद किया, इसकी दादी ने इसकी मामा को पसंद किया और दोनों का रिश्ता हो गया है ना। तो फिर ये शनावर पैदा हुआ और शनावर बड़ा होकर भंग पीने लग पड़ा। वो यार पीने नहीं लग पड़ा, जिंदगी में पहली मर्तबा पी है। अच्छा तद चल गई थी। हाँ। और लड़कों ने आपको खूब मारा था मैंने ये भी सुना? ये मुझे नहीं पता मारा है कि नहीं मारा, लेकिन ये मुझे पता था कि मैंने भंग पी है। वो कह रहे थे आपका मुंह है ये देखे चिब्बा हुआ है, ये उन्होंने जूतियां मारी थी इसलिए चिब्बा। नहीं यार ये सब झूठ है। अच्छा हाँ। तो ये टोपी उतार के दिखाओ एक दफा, ये देखिए मैं कराई है। यही मुझे अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि तुम्हारे ऊपर लानत पड़ी हुई। ये देखें जी आपके एक और बात दिखाता है, शनावर ने कान भी बना लिया है और यहाँ से थप्पा भी लगवाया है, ये देखें। और शनावर फुल अशक मशूकी में डुला हुआ है, तो अल्लाह इसको सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा जी शनावर के बाद हम अब मेरे साथ आए हैं, मैं सफियान साहब, अब इससे बात करते हैं, ये ग्लव्स का काम करते हैं और ये इनसे बात करते हैं कि क्या ग्लव्स में करते हैं और क्या सिलाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं ये इनसे पूछते हैं। अच्छा जी सफियान साहब आप ग्लव्स का काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा जी उसमें आप क्या लगाते हैं और कैसे बनाते हैं पूरे ग्लव्स? कपड़ा होता है या क्या करते हैं पहले स्टार्ट से जब बनाते हैं वो स्टार्ट से बताएं? ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਹੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਤਨਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆ, ਕਾਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼ਨਾਵਰ ਨੇ ਲੰਬਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਆ ਸ਼ਨਾਵਰ भाई अच्छे भाई हैं। कल फिर कल हमारे एक और दो और गेस्ट आएंगे, वो भी इंटरव्यू देंगे। और आज हमारे साथ दो भाई और मौजूद हैं, ये देखें कहाँ पे चढ़े हुए हैं, अब इनसे इंटरव्यू लेते हैं। ये देखें वो देखें लीला लेके आए हैं साथ हमने कुर्बानी के लिए। भाई नीचे आए हैं जरा, नीचे आए जरा। नहीं नहीं हम पत्ते ला रहे हैं। पत्ते ला रहे हैं? हाँ जी। अच्छा जी यहीं पे बताएं। अच्छा जी ये भाई साथ हैं। अच्छा भैया आपका नाम क्या है? शराज भाई। शराज भाई ये लीला कुर्बानी के लिए है? जी जी। अच्छा कितने का लिया है? जी हमने लिया जी 30,000 का। अच्छा कहाँ से? यहाँ से लिया के कहीं से लेके आए? बडियाने से लेके आए हैं। अच्छा ये कोई अपने वाकफ से के? नहीं नहीं वाकफ नहीं, गैर वाकफ। गैर वाकफ थे? अच्छा तो कुर्बानी के लिए लिया ना, तो आप क्या डालते हैं इनको? पत्थर शत्थर काशा। अच्छा और डाला चरी? अच्छा सब कुछ डालते हैं, खा लेता सब कुछ? हाँ जी। अच्छा तो आप कुछ नहीं खाते? नहीं नहीं हम सब कुछ खाते हैं। आप सब कुछ खाते हैं, उसको उसको कम खिलाते हैं? नहीं नहीं जो कहे उसको खिलाते हैं, जो खुद खाते हैं वो उनको खिलाते हैं? नहीं नहीं खाते हैं। खिलाते हैं कहा? खिलाते हैं। अच्छा कहा खिलाते हैं? और बंदा इसकी सेहत नहीं लगती ये 30,000 का? हाँ इसकी सेहत से नहीं लग रहा ये? मरा हो गया, खाल उतारी है? हाँ जी उसकी कटिंग कराई है इन्होंने। अच्छा हमारे साथ एक और भाई इसके साथ ही आए हैं, वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई आपका क्या नाम है? रेहान। रेहान भाई आप ये आप भी साथ ही जब लीला लेने गए थे, कितने का लिया? 30,000 का। अबू भाई सच कह रहे हैं 30,000 का? अच्छा ये क्या खाता है? सब कुछ। सब कुछ हर शेयर खाता है? अच्छा ये देखे जी लीला। अस्सलाम वालेकुम लीला साहब, बोलो क्या नाम है आपका? Thank you.
अच्छा जी आज आपको दिखा दिया, शनावर ने भी इंटरव्यू दिया, ये दो भाई ने भी इंटरव्यू दिया है और सुफियान भाई ने भी इंटरव्यू दिया है, और कल दो और बंदे लेके आएंगे और कोशिश करेंगे ये भाई भी कल लेले वाले भी यहीं पे हो और कल इनसे तफसीलन बात होगी। ओके, आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और जिसको वीडियो पसंद आए वो शेयर भी कर दे। ओके शनावर भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।